चलो भाई पहुंच गए हैं थानों, और थानों में एक प्यारा सा मंदिर है, माता बाला सुंदरी द्वार। चलो यहाँ चलते हैं, मस्त है भाई। है बराबर में है थानो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। पहुंच गए हैं मंदिर पे, और यहाँ पे बंदर भी हैं बहुत सारे। पहुंच गए हैं मंदिर पे, हमेशा की तरह बहुत शांत माहौल, बहुत प्यारी हवा चल रही है, बहुत सारी चिड़िया हैं आसपास और बंदर हैं। और भाई जब मैं बीन देर डूनडेट वालों के साथ मैंने टूर किया था ना यहाँ पे, तब मैंने इसके बारे में बताया था। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको तो पता है ही, लाहौरी ईंटों से बना हुआ है, बहुत पुराना है। कोई नागा साधु थे यहाँ पे जो इसमें कुछ तपस्या किया करते थे। सामने बंदर बैठे हैं भाई, कितना प्यारा फ्रेम आ रहा है ना। चलो ऊपर चलते हैं, लेकिन उससे पहले राइट साइड में मेरी एक नज़र पड़ी है गौमुख पे, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, ये गौमुख है। चलो गौ माता को यहीं नहला देते हैं, इसी पानी से नहला देते हैं। सिद्धपीठ महामाया माता बाला सुंदरी। आम भी आ गया, छोटे छोटे से जो बंदर खा रहे हैं। मंदिर पहुंच गए हैं सामने, फिलहाल तो मंदिर बंद है, और यहाँ पे भी एक झंडे लगे हुए हैं। पंडित जी आ गए, पंडित जी प्रणाम। मंदिर के बगल में ये गबरू बंदर आके बैठ गया है, और ये तो काफी निडर है, एक दो तो है ना, काटने भी आता है ना ये वाला। अगर डंडा हो तो फिर नहीं करेगा कुछ भी, वो खा रहे हैं ना उसके लिए। हाँ नहीं, हाथ में कुछ नहीं दिखना चाहिए वरना फिर दिक्कत करता है। ये रहा। आप ही पंडित जी, आप तो यहीं रुकते हो ना। अच्छा मैं तो सन्यासी हूँ। आपका तो पता है मेरे को, मैं तो बीन देर डूनडेट वालों के साथ भी आया था। अच्छा अच्छा। फिर वो ब्रजभूषण जी भी आए थे तब भी। अच्छा, उनका भी देखता हूँ, वो तो मैं पहले भी कनेक्टेड हूँ। दोबारा से भी आए थे तब भी मिलने आए थे यहाँ पे, अभी आए थे। उन्होंने एक और बनाया था यहाँ पे, कोई जंगल में एक लेडी है, पता नहीं कहाँ बैठी है अंदर कमरे से में, तपस्या कर रही थी, कुछ वो कर रही थी, आग सी जला रही थी, खाना बना रही थी अकेली। वो कह रही थी यहाँ से एयरपोर्ट 3 किलोमीटर है, ऐसे बता रही थी, पता नहीं कहाँ की बात थी। इधर तो नहीं है, इधर नहीं होगा। मैं भी सोच रहा, पता नहीं कहाँ उन्होंने एक वीडियो बनाई थी ब्रजभूषण जी। आजकल लेपर्ड की मूवमेंट रहती है, आ जाता है। हाँ कभी कभी, अब तो धीरे धीरे कम होते जा रहे हो ना, पहले के मुकाबले। हाँ पहले बहुत ज्यादा, पहले तो हाथी भी यहाँ तक आ जाता होगा। लेकिन नहीं, अभी एक आठ साल पहले भी, अच्छा इतने साल तक भी बहुत थे। हाँ अब एकदम से कंस्ट्रक्शन हो रहा ना, इधर सीरियो में भी और होटल बनने लगे ना 4-5। पहले तो जैसे यहाँ पे तो और भी शांति महसूस होती होगी, अब तो फिर भी खटखट पटपट थोड़ी बहुत आती रहती होगी। बहुत बढ़िया है। जो टेंपल है ये सिद्धपीठ है, और यहाँ पर पहले काफी लेपर्ड आया करते थे, अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब पीछे की तरफ ये पूरा जंगल से कनेक्ट है, और ये यहाँ पे सबसे खतरनाक बंदर है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये देख रहा है, अगर कुछ होगा तो आएगा छीनेगा, क्योंकि डंडा भी नहीं है हमारे पास। ये मतलब ये देखो कैसा शोर, ये पता कैसे देख रहा, कान खड़े करके ऐसे देख रहा हूँ। अगर हमारे हाथ में कुछ होगा, अगर कुछ नहीं है फिर तो कुछ नहीं, वैसे भी अच्छा बंदर का एक गुण होता है, और डंडा है तो फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं करेगा। इसके ऊपर ही घूम रहा है, जानबूझ के शैतानी करता रहेगा। यहाँ पे देखो कितना प्यारा शिवलिंग है, मंदिर हो तो ऐसा हो बिल्कुल साफ सुथरा। लोग आजकल ना, लोग ट्रेंड चल रहा है मंदिर कहीं भी बना देते हैं लोग, कोई तो नाले के किनारे भी बना देता है, तो वो मजा नहीं है। मंदिर हो तो बिल्कुल शांत स्पेशल जगह, पॉजिटिव वाइब्स। तो ठीक है दोस्तों, मंदिर से तो आते हैं, अभी हमारे पास काफी समय था, और यहाँ से ऋषिकेश भी 15-16 किलोमीटर था, तो हमने सोचा चलो ऋषिकेश चलते हैं, गंगा माँ की आरती देखने शत्रुघ्न घाट चलते हैं, वो सबसे प्यारा लगता है। चलो
पहुंच गए हैं ऋषिकेश, लेकिन यहाँ पे ट्रैफिक जैम है बहुत ज़्यादा और सब उल्टा सीधा चला रहे हैं, दूसरे की लाइन में घुस रहे हैं। एक्चुअली आज ट्यूसडे है, इतना भीड़ नहीं होना चाहिए था, लेकिन यात्रा चल रही है ना, इस वजह से भीड़ है। भाई एम्बुलेंस भी फंस चुका है यहाँ पे, क्या करें, ये भी कहाँ से जाएगा, बहुत बड़ी बस जा रही है आगे, पुलिस वाले हैं ही नहीं यहाँ पे। अभी हमारी लेन तो क्लियर हो गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी बस अड़ रही है। एक्चुअली दूसरी लाइन वाले भी इसके सामने अड़ रहे हैं ना बार बार। फाइनली बस को ओवरटेक कर लिया है, तो एग्जैक्ट 6 PM और हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, इवनिंग अंगारती एंजॉय करने शत्रुघ्न घाट की, और रिवर राफ्टिंग सामने राम झूला, और उस तरफ परमार्थ निकेतन और जानकी सेतु। बस ये लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं इवनिंग अंगारती की, कुछ राफ्ट जा रही है जो कि बस एंडिंग होने वाली है राफ्ट की, ये कुछ लास्ट राफ्ट हैं जो कि राम झूला के बाद एंड करती हैं, जहाँ पे मैं लास्ट टाइम मैंने रिवर राफ्टिंग करी थी तो मैंने भी यहीं पे एंड की थी। जो भी शाम को गंगा आरती एंजॉय करने आए, इस लोगों ने अपनी अपनी सीट कब्जा ली है, और यहाँ पे सामने जो गंगा आरती होगी बहुत अच्छा व्यू आता है। जो बोट यहाँ पे खड़ी हुई थी वो भी चलती है, ये साथ 100-150 रुपये लेते हैं सिर्फ यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के। गंगा जी का पानी काफ़ी क्लियर है, एक बोट इधर से जाती है तो दूसरी बोट उधर से आती है सेम टाइम पे। अब देखो पानी का फ्लो कितना तेज ऐसा जा रही है घूम के। भाई यहाँ पे आके माइंड फ्रेश हो गया, बस इसलिए मैं आ गया हूँ, स्कूटी से ही आ गया, मुझे पता नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच पाऊंगा। मैं तो थोड़ा बस स्थल घूमने गया था, थोड़ा आगे एक ट्री कैफे गया था, बस मूड बना फिर आगे आगे आता रहा, तो ऐसा मतलब ऐसी चीज देहरादून में नहीं मिलती, तो यहाँ पे आके बिल्कुल माइंड बता नहीं सकता कैसा हो जाता हूँ, एक चुंबक की तरह खींचता है मुझे ऋषिकेश। वो पहले वाली बोट तो खाली आई थी, ये वाली है वो भरे वाली। भाई ये ना लाइफ जैकेट टांग के रखते हैं, ये गलत चीज है, सबको पहननी चाहिए, अगर इमरजेंसी में डूबने लगी ना तो कोई भी नहीं पहन पाएगा लाइफ जैकेट। सामने मेरा फेवरेट भूतनाथ टेम्पल, अगर वहाँ पहुँच जाओ ना तो भाई इतनी अच्छी वर्ड वाचिंग होती है, इतना अच्छा पीस, इतनी शांति महसूस होती है, सुपर। मैं हर हमेशा यहाँ आता हूँ लेकिन वहाँ नहीं जा पाता क्योंकि वो थोड़ा सा दूर है यहाँ से, लेकिन नेक्स्ट टाइम पक्का जाऊँगा। और जो सनसेट दिखता है ना वो उस तरफ से ज़्यादा अच्छा दिखता है, देखो कैसे पीली पीली धूप वहाँ पे पड़ रही है उन बिल्डिंगों पे, परमार्थ निकेतन में आरती हो रही है, क्योंकि सनसेट इस तरफ हो रहा है राइट साइड में, और जहाँ पे मैं हूँ यहाँ पे सनसेट नहीं दिखता, उस तरफ से ज़्यादा अच्छा दिखता है। एग्जैक्ट 6:30 बजे आरती चालू हो गई है।
है, आरती तो हो गई है और अब शायद दो थोड़े बहुत एक दो भजन और बजेंगे। नमाहं काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्वणो ददातु कुबेराय वैश्वणाय महाराजाय नमः। ॐ विश्वदत्तक्षरतविश्वतामुखा विश्वतोबाहुरतविश्वतस्पात् सम्भाव्यं धमति सम्पतत्रे ध्यावत् सिवन्तिकापकुलचम्पकपाटलाब्धे पुन्नागजातिगरवीरलशालपुष्पे विल्लप्तबालतुलसे जगदीश्वरि मे प्रसीद नानासुगन्धवर्मका पाणियो मे विश्वका नमः पार्वतीपतये। बहुत बढ़िया राब, बहुत बढ़िया। समाप्त हुई आरती। ये सब चेहरे देख लो, ये सब आते हैं इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में, ये सब यहाँ आते हैं। तो गंगा आरती के बाद मैं आ गया हूँ नेपाली कैफे पे, लेकिन यानी कि फ्रॉग लाइफ कैफे पे, लेकिन ये बंद है। और देखो इसने बोर्ड भी नहीं लगा रखा, सबसे अच्छा टेस्ट है इसका पूरे ऋषिकेश का, और बोर्ड भी नहीं लगा रखा, इतना कॉन्फिडेंस। और बराबर वालों ने इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा रखे हैं, चलते ही नहीं है। चलो शुभम भाई को देखते हैं, उनके वहाँ चलते हैं गेस्ट हाउस। तो शुभम भाई के गेस्ट हाउस पर आया था, जिन्होंने लीज पे ली हुई बिल्डिंग, लेकिन अभी है नहीं यहाँ पे। अभी इनका तो बोर्ड भी नहीं लगा, अभी लगेगा एक दो दिन में। और यहाँ से मुझे नजर आ रहा है डॉर्मेट्री भी चालू कर रहे हैं, तो अभी वो है नहीं। मैंने उनको फ़ोन मिलाया, फ़ोन उठाया नहीं है। तो चलो यहाँ से भी चलते हैं वापस। भाई दो डॉग खेल रहे थे यहाँ पे, जर्मन से पड़ा। बच गया भाई, अटैक कर दिया था। दो हैं भाई, ओ भाई ये वापस गया। ये खेल रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इधर से इसने भी भौंकना चालू कर दिया। भाई इसके सपोर्ट में ही आया। ओ तेरी, छोटे पे अटैक करो। आ गया। ओ छोटे वाला भी शेर बन रहा है। वो भाग गया, अभी वापिस भाग गया। उसको पता है कि इधर से मार देगा वो। उस बंदे का आई है, खोल के घुमा रहा है, उस फॉरेनर का और उस इंडियन बंदे का। यहाँ से खूबसूरत रामझूला बीच नजर आ रहा है, ये भी देख लो। चलिए अभी उस तरफ जाने का टाइम नहीं है, रामझूला क्रॉस करो फिर उस तरफ जाओ। वैसे इवनिंग बहुत अच्छी होती है, आज मौसम बहुत साफ है, तो सनसेट काफी अच्छा नजर आया वहाँ से। तो कभी आप ऋषिकेश घूमने आओ तो रामझूला बीच जरूर जाना इवनिंग के लिए। और गंगा बिल्कुल शांत, बिल्कुल क्लियर। इस तरह की फॉरनर आपको बहुत मिल जाएंगी जो नंगे पैर घूमते रहते हैं यहाँ पे ऋषिकेश में। हेलो गाइस, सो एग्जैक्ट 8:30 बजे वापस देहरादून में आ चुका हूँ। ऋषिकेश थोड़ा सा तो दूर पड़ता है, मतलब 55 किलोमीटर में लग जाते हैं 1.5 घंटा जाने आने में। और वास्तव में भी स्कूटी से चला गया था, बस फालतू में चला गया था स्कूटी से। गया था यहाँ पे स्थल और मंदिर पे और पहुँच गया ऋषिकेश। बहुत भूख लग रही है भाई, नेपाली के यहाँ कुछ नहीं मिला क्योंकि बंद था। चलो यहाँ पे डिनर करते हैं। और यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है, जब दूध थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर उसके बाद ये सेपरेटर मशीन से सब निकलेगा। अभी तो टाइम नहीं है, कल सुबह निकालेंगे इसको। सबसे पहले एडिटिंग करते हैं, कल सुबह वीडियो 8 बजे आनी है। और अभी फ़िलहाल टाइम हो गया है 10 और रात के 10 बज रहे हैं, तो
तो जल्दी से भाई एडिटिंग करते हैं, अपना सॉफ्टवेयर खोलते हैं। ये देखो हाथी की फोटो मैंने वॉलपेपर पे लगाई हुई है, जो कि मैंने हल्दूपुरा फॉरेस्ट टेस्ट हाउस के दौरान जब सफारी की थी तब खींची थी। ये हाथी देखो कितना प्यारा है, मस्त हाथी है भाई। इस हाथी की बात बता दो, जब हम गए थे ना अर्ली मॉर्निंग सफारी हल्दूपुरा फॉरेस्ट टेस्ट हाउस के पीछे, तब आया ये, यहाँ जंगल से निकल के आराम से खड़ा हो गया, बहुत देर तक खड़ा रहा, फिर एकदम से चला गया। क्या पोज दिया है भाई इसने।